नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है ग्रीसपुर गार्डन में आज हम देखेंगे कि अगर आपको खीरा ग्रो करना है तो आप किस तरह से अपने घर पर खीरा ग्रो कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरह से खीरा ले सकते हैं तो सबसे पहले खीरे के बीज को हमें पानी के अंदर 12 घंटे के लिए भिगो के रखना होगा इससे जो हमारा जनरेशन रेट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा यानी कि जो खीरा अगर आपका एक हफ्ते के अंदर ग्रो होना होगा वो आपका तीन से चार दिन के अंदर बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा और इससे बहुत अच्छा आपका स्प्राउटिंग भी आएगा और सॉइल मिक्स के लिए देखते हैं सबसे पहले हम लेंगे इसके अंदर कोकोपीट 20 परसेंट फिफ्टी परसेंट इसके अंदर हम लेंगे नॉर्मल गार्डन सॉइल और 30 परसेंट लेंगे इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट उसको अच्छे से मिक्स करेंगे इसके आप सीडलिंग भी तैयार कर सकते हैं बट ये एक बेल वाला प्लांट है यानी कि वाइन है तो इससे अच्छा ये है कि आप इसको डायरेक्ट कंटेनर में लगाइए क्योंकि वाइन्स को कई बार ट्रांसप्लांट करने में जो उनका सक्सेस रेट होता है वो काफ़ी कम हो जाता है इसलिए इसको हम डायरेक्ट पॉट में लगाएंगे इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे सॉइल मिक्स को सॉयल मीडिया को मिक्स करने के लिए हम अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे आप चाहे तो किसी टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं बट एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी इसको सॉयल मिक्स को यूज़ करेंगे इसके अंदर थोड़ा भी मॉइस्चर ना हो वरना इसमें फंगस लग जाएगा अब लेते हैं ग्रो बैग कम से कम आप साइज़ लीजिए इसमें पंद्रह बाय पंद्रह का इससे अगर आप बड़ा लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है तो उसमें आपकी वाइन्स जो होंगी वो ज़्यादा अच्छी ग्रो होंगी और इसके अंदर हम अपना पॉटिंग मिक्स को फिल कर लेंगे और साथ में इसमें आपको होल भी बना कर रखना है ये देखिए इस तरह से अपना पॉटिंग मिक्स इसके अंदर फिल कर लेंगे और थोड़ा दबा कर रखेंगे ताकि मीडिया हमारा ज़्यादा आए और इसके अंदर कोई भी एयर पॉकेट ना बने तो इस तरह से इसको हम उंगली से प्रेस करके अच्छे से दबा लेंगे और जो भी हमारा सॉयल मीडिया होना चाहिए वो थोड़ा लाइट होना चाहिए इसलिए हम इसके अंदर हमने कोकोपीट का यूज़ किया ये देखिए कि अब हमने अपना जो मीडिया वो डाल लिया है और इसके अंदर हम दो होल करेंगे बारह बाय बारह की ग्रो बैग्स के साइज़ के अंदर हम दो सीड लगाने वाले हैं आप चाहे तो तीन लगा सकते हैं बट दो काफ़ी हैं क्योंकि कई बार वो जनरेट भी नहीं होते तो इसलिए अब तीन बिल हंसते हैं तो ये हमने ओवरनाइट जो सॉप करते हैं वो वाले सीट हैं आप कोशिश कीजिए कि सीट वो लगाई जो कि नीचे बैठे हुए हों जो ऊपर सीट तैरते हुए हैं उनको हटा दीजिए क्योंकि वो कई बार जनरेट होते ही नहीं है तो सीट डालने का तरीका देखिए करीब एक इंच का हमने इसके अंदर होल कराया और होल करने के बाद इसके अंदर अपने सीट इसी तरह से नॉर्मली डाल देंगे एक बैग के अंदर मैंने दो सीट डाले हैं आप चाहे तो तीन या चार डाल सकते हैं वो डिपेंड करता है कि आप कितने इसमें डालेंगे इसी तरह से सेम दूसरे बैग के अंदर हम यही काम करेंगे एक इंच का हमने होल बनाया फिंगर से ये देखिए एक से डेढ़ इंच का आप ज़्यादा अगर बड़ा होल कर देंगे तो उसमें फिर स्प्राउटिंग बाहर आने में काफ़ी टाइम लग जाएगा तो इसलिए मैक्सिमम डेढ़ इंच से बड़ा ना कीजिए और इसके अंदर इस तरह से हम सीड डाल देंगे और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप बड़ा होल कर देंगे तो उसमें आपको फिर दिक्कत होगी क्योंकि स्प्राउटिंग बाहर नहीं आएगी और टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो इस तरह से हम कोशिश यही करेंगे कि डेढ़ इंच का हम होल बनाएंगे और उसके अंदर अच्छे से सीड को डालने के बाद सॉइल को अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि पानी डालने के बाद जो सीड है हमारा वो अपनी जगह से डिसलोकेट ना हो जाए अपनी जगह पर रहे तो ये सीड्स को ग्रो करने की एक बेसिक टेक्निक है इस टेक्निक को यूज़ करने के आप कोई भी सीड आप अच्छे से ग्रो कर सकते हैं अब बारी है वाटरिंग की तो पानी जो है पहला पानी जो हम दे देंगे इसके अंदर वो शावर से देंगे वो भी अच्छी तरह से शावर से इसलिए देंगे क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर हम डायरेक्ट किसी मग से पानी डाल देते हैं तो सीड अपनी जगह से हिल के थोड़ा नीचे चला जाता है या उसके अंदर सॉयल मीडिया के अंदर एक छोटा सा गड्ढा बन जाता है तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है इसीलिए हम शावर से पानी देंगे ताकि जो सीड है हमारे वो एक ही जगह रहे और पानी चारों तरफ बराबर जाए अगर आपके पास शावर नहीं है तो आप एक छोटी बॉटल के अंदर सुई से गर्म सुई करके उसके अंदर आप होल कर सकते हैं और उससे फिर इसके अंदर पानी डाल सकते हैं तो उससे भी पानी इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूट होगा और आपको बहुत अच्छा इसमें रिज़ल्ट मिलेगा तुमने पानी इसमें अच्छे से डाल दिया है अब देखते हैं करीब करीब पाँच दिन के बाद का रिजल्ट सीड हमारा एक स्प्राउट हो चुका है यानी कि बाहर आ चुका है और ये ग्रो हो गया अभी भी पूरे पत्ते इसके बाहर नहीं आए बट सीड जो है हमारा वो सक्सेसफुली ग्रो हो गया है ये देखिए इस तरह से करीब चार या पाँच दिन के अंदर आपका जो सीड है वो ग्रो हो जाएगा और ये डिपेंड करता है मौसम के अंदर अगर आपका बारिश का मौसम है तो यही सीड आपका दो दिन के अंदर ग्रो हो सकता है वो डिपेंड करता है एरिया के ऊपर अब नौ दिन के बाद का रिजल्ट ये देखिए जो हमारा सीड ग्रो हुआ था उसकी उसके अंदर दो पत्तियाँ आ चुकी हैं यानी कि सीड हमारा बहुत अच्छे से ग्रो हो गया है और बहुत अच्छे से ये हेल्दी सीड हुआ है ग्रो और जिसका कवर है वो भी इसकी पत्ती के ऊपर आ गया जो सीड का कवर है और ये हमारा दूसरा पॉट है दूसरे पॉट के अंदर भी सेम डे में सेम रिज़ल्ट हमें मिला है और दोनों वोट के अंदर जो हमने दो दो सीड लगाए थे उनमें से एक एक सीड हमारा जर्मिनेट हो गया है और बड़ा क्यूट प्लांट है ये पहली पत्ती जो होती है इसकी कुछ अंडागार शेप में होती है बट जो बड़ी पत्ती आएगी वो कुछ अलग शेप में आएगी अभी है चौदह दिन के बाद का रिजल्ट ये देखिए जो मैंने आपको बताया था कि जो उसकी पहली पत्ती होती होती है वो अंडागार शेप में आती है वो सबसे नीचे है लेकिन जो दूसरी पत्ती आती है वो एक पान के शेप में होती है और हल्की सी खुरदरी होती है इसके ऊपर कुछ बाल टाइप का होता है और बहुत ही सुंदर लगती है ये और ये थोड़ी बड़ी पत्ती होती है ये इसके नीचे वाली पत्ती ये देखिए और ये भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है इस तरह के आपके सॉइल में अगर वीड्स हैं तो उसको हाथ के हाथ निकाल दीजिए क्योंकि ये एक्स्ट्रा एनर्जी सॉइल से लेते रहते हैं अगली है इक्कीस दिन के बाद का रिजल्ट ये देखिए जो हमारी वाइन है वो वाइन बननी शुरू हो चुकी है और अच्छी ग्रोथ के लिए इसकी जितनी भी नीचे की पत्तियाँ हैं इनको हम निकाल देंगे काट देंगे इससे क्या होगा कि जितनी भी एनर्जी होगी वो ऊपर शिफ्ट होगी और बेल जो है वो ऊपर जाएगी इस टाइम पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आपकी बेल बननी शुरू हो चुकी है वो आपको ऊपर चढ़ानी है यानी कि आपको उसके लिए एक नेट की जरूरत होगी या फिर किसी भी रस्सी से आप इसको बना दीजिए तो दोस्तों वीडियो आपको अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू सो मच इसका नेक्स्ट पार्ट हम आपको जरूर दिखाएंगे